पाकिस्तान की संसद में क्यों छलका पाक मिनिस्टर का दर्द? भारत के सुपर पावर बनने का पाक में क्यों रागा लाभ? क्यों पाकिस्तानी आर्मी पर भड़का पाक का मिनिस्टर? चलिए बताते हैं। पाकिस्तान इन दिनों कंगाली के आंसू बहा रहा है। चाहे कितनी भी भारत विरोधी राग पाक के नेता गा लें, लेकिन एक बात तो वो भी जान गए हैं कि भारत उनसे बहुत आगे निकल गया है। भारत पाक के रिश्तों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच आज सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं इन खबर। भारत हर मामले में आज पाकिस्तान से काफी आगे निकल गया है। ये बात अब पाक के हर नेता और मंत्री बखूबी जानते हैं। अब एक कट्टर भारत विरोधी पाकिस्तानी मौलाना और राजनेता ने पाकिस्तान के संसद के भीतर भारत की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान की मौजूदा हालत बताते हुए फजलुर रहमान ने भारत और पाकिस्तान की तुलना कर डाली है। हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते। इस पार्लियामेंट की रुकनियत पर हम फख्र करते हैं और हम समझते हैं वीवीआईपी वर्क है। आज जरा मुआवजा तो कीजिए जनाब स्पीकर। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार। पाकिस्तानी संसद में बोलते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते हैं। इस पार्लियामेंट के ऊपर हम सब फक्र करते हैं और हम वीवीआईपी हो गए हैं। हिंदुस्तान और हम पाकिस्तान एक ही दिन आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है और हम दिवालिया बनने से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? घूमकर बात राजनेताओं के सामने ही आती है। बता दें, सूसिया मौलाना डीजल के नाम से मशहूर पाकिस्तानी सांसद और जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान का भारत को लेकर दर्द सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज भारत सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान दुनिया के देशों के सामने आर्थिक मदद के लिए हाथ फैलाए बैठा है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको ये भी बता दें, फजलुर रहमान ने आईएमएफ के कर्ज का भी जिक्र किया है, जिसकी दूसरी किस्त आखिरी किस्त के लिए इस महीने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सहमति दी थी। कर्ज की आखिरी किस्त की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने नए लोन के लिए फरियाद लगा दी है। फजलुर रहमान के इस वीडियो को पाकिस्तान के एक पत्रकार गुलाम अब्बास शाह ने शेयर किया है। हालांकि वीडियो कब का है इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। बहरहाल वीडियो की चर्चा काफी तेज है। इसके साथ ही पाकिस्तान के हालातों का ठिकरा फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना पर भी फोड़ा है, निशाना साधते हुए उसे देश की बर्बादी का असल जिम्मेदार ठहराया है। आपको ये भी बता दें, इन दिनों पाकिस्तान में शहबाज सरकार के सामने बढ़ती महंगाई और बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था पर काबू पाना सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई है। कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही शहबाज सरकार ऐसे में भी दो तरफा नीतियों में उलझी हुई देखी जा रही है। एक तरफ जहां पाक सरकार कश्मीरी राग अलपना नहीं भूल रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के साथ अच्छे संबंधों की पैरवी भी कर रही है। खैर, पाकिस्तान के हालातों और वहां के नेताओं का भारत की तारीफ पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।